सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे। ठीक है, आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 24th of December क्रिसमस प्ले, उसकी प्रिपरेशन की कंडक्ट मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ठीक है, अब रिहर्सल्स के लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है, की जाएगी। We've all been searching for something, something that's bigger than us to believe in. Who knew a star was so close it could touch us, light up our hearts, lead the way through the dark. कुछ करेक्टर्स मौजूद हैं, उनमें से एक करेक्टर मैं भी हूँ। ठीक है, यूसुफ, प्रिस्का, मैरी है, एंजल हैं, और भी बहुत से करेक्टर्स हैं इस फिल्म में। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह से तैयारी की जाती है और क्या क्या चीज़ें की जाती है, किस तरह से लोग ब्लंडर भी मारेंगे। ठीक है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। होपफुली 24th को जब भी कंडक्ट होगा उसके भी कुछ सीन्स हैं, ठीक है, वो आपको इसमें दिखाए जाएंगे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ तेरे सलाम और वो दुआ देते हैं कि आप हमेशा जिंदगी में खुदा को अपनी बलियों करके आप बाहर कहते हैं। अच्छा बेटा, जरा आप अपनी दुआ को जारी रखो, मैं थोड़ा अपना डायलॉग साथ ही बोलिएगा। ये मैं भी आपसे कहने आता हूँ, अब आपने अपना अपना डायलॉग बोल दिया एक डायरेक्टर से जी। एक्शन, जी बोलिए। ये कैसी रोशनी है? एकदम तेरा शुक्र हो कि तूने नहीं, इससे ऊपर वाला जो वो बोल रहा है, शुक्र से पहले वाला। आप कौन? खुदा का पैगाम, इससे क्या मतलब? बहुत सा एफर्ट इन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है, किस तरह से प्रैक्टिस की गई है। ठीक है, प्ले की वो आपको क्लिप्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ सीन्स, ठीक है, जो क्लिप्स हैं प्ले के, ठीक है, वो आपको दिखाए जाएंगे। आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है? देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। जी बाबा, अभी आई। मेरी प्यारी बेटी क्या कर रही थी? बाबा, मैं कलामे मुकद्दस की तलावत कर रही थी। कलामे मुकद्दस की तलावत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा हिस्सा आज आपने कलामे मुकद्दस का तलावत किया है? बाबा, मैं यशाया का सहीफा तलावत कर रही थी। एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। बाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटा, कादरे मुतलक खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये सब खुदा जानता है, और हमारा ईमान है ऐसा होगा जरूर, और हमारे लिए एक मुसीबत आएगा बेशक। अरे जरा मुझे भी बताओ, बाप बेटी में क्या बातचीत हो रही है? मरियम की माँ, हम कलामे खुदा के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं, जो चीज आप मरियम के लिए लाए थे वो आपने उसे दे दी है? अरे बातों बातों में तो मैं भूल गया। देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं।
खूबसूरत शॉल और ये मेरी बेटी पर यकीनन जचे। पापा ये तो बहुत खूबसूरत है, इसे मैं रिश्वत के दिन पहनकर जाऊंगी। हाँ हाँ पहन लेना, लेकिन अभी पहले अपने पापा के लिए पानी तो ले आओ। जी माँ अभी लेकर आई। ये कैसी रोशनी है। खुदावन तेरे साथ है ए मरियम, खौफ न कर क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला हो गया और तेरे बेटा हो और तू उसका नाम यीशु रखेगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। रूह कुदस तुझ पर नाजर होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और देख तेरे रिश्तेदार अलिश्मा के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो पांच कहलाती थी छठा महीना है क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना हो। देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक रहो। मुझे एक मेज और चार कुर्सियां बनवानी है और मैं बहुत जल्द आपके पैसे लुटा दूंगा। पैसे मुझे जब आप चाहे लुटा दें, लेकिन इस काम के लिए मुझे वक्त चाहिए क्योंकि आपसे पहले बहुत से लोगों का काम मेरे पास मौजूद है। मुझे मंजूर है, मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शुक्रिया तो उस खुदावंद की ज़ात का करना चाहिए जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूसरों के काम आ सके। यूसुफ अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे एक बड़ी जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोले। बाहर चंद औरतें। क्या चंद औरतें। वो बाहर चंद औरतें बातें। क्या बातें। बातें कर रही थी कि यूसुफ की मुकेदर। क्या हुआ मेरी मुकेदर को। कि वो हामला पाएगी। ये तुम कैसे बेहूदा बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी बात तो तुम्हारी बात नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मरियम को चुपके से छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बदनाम हो क्योंकि वो पाक दामन है, लेकिन अगर ऐसा हो तो
आप पर खुदा की सलामती हो। आपने हमेशा वही किया जो खुदा की नजर में भला है, इसीलिए खुदा का पैगाम आपको दिया जा रहा है। आप कौन? खुदा का पैगाम, इसका क्या मतलब है? ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल यानी से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है पुरुष कुदस से, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदावन का शुक्र हो कि तूने एक बड़ा भेद मुझ पर अस्कारा किया। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस काबिल समझा। खुदावन का नाम मुबारक। मैं अभी जाता हूँ और मरियम को अपने घर ले आता हूँ। सुनो सुनो सुनो, आखमे वक्त कैसर अगस्तस की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि मुल्क के तमाम लोगों की मरदम शुमारी की जाएगी, इसलिए सब अपने अपने इलाका के मुताबिक अपने नाम अपने कबीले में दर्ज करवाएं। बादशाह का फरमान है कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भाई, ये किस चीज की मनादी कर रहे हो? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरी बीवी मरियम के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम यूसुफ है और हम नाजरत से आए हैं। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हम अपना नाम उठवाने आए हैं। ये मेरी बीवी मरियम है, इसकी हालत ठीक नहीं। क्या कहा, हालत ठीक नहीं? इस हालत में तुमने नासरत से यहाँ तक इतना लंबा सफर किया? क्या मेरे भाई, हमारी मजबूरी है और बादशाह का फरमान भी तो है। बड़ा सोच समझ कर हमने ये कदम उठाया है। लगता है हमें खुले आसमान के तले ही रात गुजारनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, यहाँ सफर में थोड़ी जगह है, चाहो तो आप यहाँ रात गुजार सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। कोई बात नहीं, हम जानवरों के साथ ही रात गुजार लेंगे। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जगह दिखा दूंगा। जी शुक्रिया। Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to sight to a blind man?
रात कितनी साफ है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कल भेड़िया ढेर ले गया था। मेरी वजह से? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? यारो आग तेज करो, सर्दी बहुत है, जो हो गया सो हो गया। आज रात हमें ध्यान से रहना होगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। और इसराइल में से एक आशा देगा।
यहाँ ये देखो इसाया को भी इसका बयान मिलता है, खुद मुनवर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावन का जलाल तुझ पर लाहिर हुआ है और कोने से रोशनी की तरफ आएंगी ऊंटों की कतारें और मध्यान और चंडियां आकर तेरे की शुमार होंगी, वो सब सुबह से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावन की हम का ऐलान करेंगे। तो चलो दोस्तों इस सितारे की रहनुमाई में अपने सफर का आगाज करें। मेरा ख्याल है हम एक बादशाह का दीदार करने जा रहे हैं, हमें कुछ सोना गोल्ड और लुबान साथ ले लेना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो चलो साथियों तैयारी करते हैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत, कुछ मजूसी किसी नन्हे बादशाह की तलाश में महल में आए हैं। आपके सिवा बादशाह और कौन हो सकता है? और वो किसी नन्हे बादशाह को सजदा करने की बात कर रहे थे। उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह का एक बाल बुलंद हो। हमने पूर्व में एक सितारा देखा। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? सितारे की रहनुमाई में हम उसे सजदा करने आए। सितारे की रहनुमाई में सजदा करने सरकार का ही को बुलाया जाए। जी बादशाह, क्या हुक्म है मेरे लिए? सरकार का ही ये मेहमान है और बड़ी दूर से सितारे की रहनुमाई में चलकर एक नए बादशाह को सजदा करने आए हैं। सरकार का ही मुझे बताया जाए कि नविश्तों में क्या लिखा है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। बादशाह सलामत, मुकद्दस नविश्तों में लिखा है कि यहूदिया के बेतलहम में नबी की मार्फत भी कहा गया है कि बेतलहम यहूदिया के इलाके तो यहूदा भाकनों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बनेगा। तो ठीक है, आप लोग बेतलहम जाओ और उस बच्चे के बारे में ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब उस बच्चे का पता चल जाए तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। यही है हमारा मुक्तिदाता।
का दीदार करवाया।